कहानी उस महाराज की है जिनकी हवेली में लगी थी लंदन की टेल्स। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 28 नवंबर को दरभंगा महाराज का 116वां जन्मदिन मनाया गया। महाराज का जन्म अंग्रेजी हुकूमत के समय 1907 में दरभंगा में हुआ था। दरभंगा महाराज शुरू से ही दानशीलता को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध थे। अगर बात राजा रजवाड़े की हो तो दरभंगा महाराज अपनी शान सौकात में सबसे आगे रहते थे। उस जमाने में दिल्ली के समतुल दरभंगा की सारी व्यवस्था की, यहाँ तक कि लंदन से मंगवाए गए टाइल्स दरभंगा महाराज की हवेलियों की शोभा बढ़ाती थी। इतिहासकारों की माने तो उस समय देश के चुनिंदा रजवाड़ों में दरभंगा महाराज की गिनती होती थी। दरभंगा महाराज को अग्रणी सोच का वाहक माना जाता था। चाहे शिक्षा की बात हो, रेलवे की बात हो या हवाई जहाज की, सारी सुविधा इनके यहाँ मौजूद थी। दरभंगा महाराज शिक्षा जगत के साथ साथ रोजगार सृजन करने में भी माहिर थे। तभी तो अपनी राजधानी के बीचों बीच 250 एकड़ जमीन पर अस्पताल बनवा दिया। उस वक्त रेलवे, बिजली जैसी चीजें दिल्ली के साथ दरभंगा में भी आ गई थी। इनके महल में उस समय शानदार सजावट थी। इसका प्रमाण आज भी दीवारों पर लगी टाइल्स मेड इन लंदन की टाइल्स दरभंगा की दीवारों पर सजी थी। यह वही दरभंगा महाराज है जो हिंदी में आर्य भारत, इंग्लिश में इंडियन नेशन और मैथिली में मिथिला मिहिर नाम से अखबार चलाया करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में दरभंगा महाराज हमेशा से आगे बढ़ चढ़कर कार्य किया करते थे, लेकिन आज शिक्षा जगत के लोग भी उन्हें भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। बताते चले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने स्थापना के सबसे बड़े गैर मुस्लिम दानवीर दरभंगा महाराज को याद करता होगा, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिनको बनाने में कुल 1 करोड़ रुपए की लागत, उसमें 50 लाख दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने दिए थे। नमस्कार मित्रों, आप तक रहता है, मिलते अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने सारा लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, हमें दीजिए आने की इजाजत। तब तक लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।